13 अप्रैल 2019 को जलियांवाला बाग कांड के 100 वर्ष पूरे हो गए। इस मौके पर ब्रिटिश राजदूत सर डोमिनिक एसक्यूथ ने अमृतसर स्थित जलियांवाला बाग मेमोरियल पर जाकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। ये पहला मौका है जब ब्रिटेन के किसी राजनयिक ने इस कांड के पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर की है। हाल ही में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे ने इस गोली कांड के लिए पहली बार संसद में निंदा की है। 100 वर्षों के इतिहास में ये पहली बार था जब ब्रिटिश सरकार की किसी प्रतिनिधि की ओर से इस कांड को सार्वजनिक तौर पर शर्मनाक करार दिया गया था। ब्रिटिश हाई कमिश्नर सर डोमिनिक ने यहाँ पर विजिटर बुक में एक संदेश भी लिखा। उन्होंने विजिटर बुक में लिखा, 100 वर्ष पहले हुआ जलियांवाला बाग कांड भारत और ब्रिटेन के इतिहास में एक शर्मनाक पल है। हम इस पर अफसोस जताते हैं। भारत और ब्रिटेन की साझेदारी 21वीं सदी में इसी तरह से आगे बढ़ती रहनी चाहिए। 13 अप्रैल 1919 को कुछ प्रदर्शनकारी, जिनमें कुछ तीर्थयात्री भी शामिल थे, वो बैसाखी के मौके पर जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। तभी उस समय की ब्रिटिश आर्मी, जिसे ब्रिटिश इंडियन आर्मी कहा जाता था और जिसे कर्नल रेगिनेल डायर लीड कर रहे थे, उसने लोगों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी थी। इस कांड के बाद उस समय लड़ाई में शामिल भगत सिंह जैसे तमाम युवाओं को देश के लिए लड़ाई में नया जुनून भरने की प्रेरणा मिली थी। जनरल डायर के आदेश पर उनके सैनिकों ने भीड़ पर करीब 10 मिनट तक बिना रुके गोलियां बरसाई थी। इन गोलियों का निशाना वह सभी खुले दरवाजे थे जिनके जरिए लोग बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे। जो विरोध प्रदर्शन जलियांवाला बाग में जारी था, उसमें हिंदू, सिख और मुसलमानों, तीनों ही धर्मों के लोग शामिल थे। जब जनरल डायर के आदेश पर गोलियां बरसाई जा रही थी, उस समय कई लोग अपनी जान बचाने के लिए बाग में स्थित कुएं में कूद पड़े। इस कुएं को आज भी शहीदी कुएं के नाम से जाना जाता है और ये आज भी बाग में मौजूद है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।